तो डाल लो बाबू कौन सा? रक्त। रक्त था और क्या कहते हैं बाबू इसको? लहू। डाल लो हेडलाइन। हाँ तुम लोग समझ गया ना, चल ध्यान दो यहाँ पर। तो इसका मेन कार्य जो होता है ना, मुख्य कार्य लिख लेते हैं यहाँ पर, मैंने मेन वर्क जो है, मुख्य कार्य जो इसका है, पहला मुख्य कार्य क्या लिखें बाबू यहाँ पर? टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ बॉडी, है ना, शरीर का तापमान नियंत्रण, शरीर का तापमान नियंत्रण। पहला कार्य हो गया यहाँ पर, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है। अगर दूसरा कार्य की हम बात करें तो जितने भी हमारे अंदर कंपोनेंट्स, जैसे मान लोगे कि फूड मटेरियल हो गया, खाना पीना जितना खाते हैं, प्रोटीन विटामिन मिनरल, सबका फ्लो कराना, ऑक्सीजन का फ्लो कराना, सबका फ्लो कराना होता है, ठीक है। तो दूसरा हो जाए यहाँ पर पदार्थों का संवहन, मतलब भैया पदार्थों का संवहन। हाँ बोलो यहाँ पर है ना, देखो ट्रांसपोर्टेशन अब क्या लिखूँगा, ट्रांसपोर्टेशन अब क्या, गुड्स मत लिख देना क्या है ना, ट्रांसपोर्टेशन अब क्या लिखो, सब ट्रांस लाइक क्या लिख देना, ऑक्सीजन, एयर, CO2, ये देखो जैसे लिख दो यहाँ पर हवा, किसको किसको लेता है? हवा। और यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर क्या, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जितना लिखना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन अब क्या, कुछ भी डालो, मिनरल्स, एयर, है ना, ATC डालो, हवा तत्व बस कर लो, इतना बहुत ज़्यादा है, एलिमेंट्स कुछ कर लो ना। अब तुम्हारा वहाँ पर प्रोटीन भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएंगे। और ये तो पता, हवा में दो चीज़ आते हैं, ऑक्सीजन और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, बस दो चीज़ आता है, ठीक है। अब जिस बच्चे को दिक्कत हो रहे हैं तो समझ लो, हवा में क्या क्या आ जाएंगे बाबू? O2, O2 किसका नाम पता है? ऑक्सीजन का दूसरा नाम, ऐसे बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। और एक होता है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम लोग ले लिए, CO2 छोड़ते हैं, तो ये भी हमारा ब्लड में मिल जाता है जाकर, सोचो इतना जल्दी ब्लड मिल जाता है, बाहर भी आ जाता है, इतना फास्ट काम। चलो तत्व में क्या क्या हो जाएंगे, तो हमारा बोल सकते हैं प्रोटीन है ना, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना। ए पीछे क्या शुरू हो गया तुम लोग का मीटिंग? सर सोनल ने कॉमर्स लिया है तो उसका पढ़ाई नहीं होता है। चलो मिटा रहे, ठीक है, बस हम समझा देंगे, ठीक है, इसको बाद में। तो ये हमारे शरीर में बस इसका मेन कार्य क्या हो बाबू? ये दो चीज को फ्लो कराना। आप देखो कि बात करते हैं दूसरा पॉइंट का। ए लड़का तुम लोग स्कूल की बातें यहाँ कहाँ करते रहते हो? नहीं, आवाज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि देखो मेन कार्य इसका दो होते हैं, एक हमारे शरीर को कंट्रोल करना टेम्परेचर को, चलो अब दूसरा कार्य करते हैं यहाँ पर बाबू, जो हमारा ब्लड होता है हमारे पूरा शरीर में, अगर मान लो किसी शरीर में कितना पता करना है कितना ब्लड है तो आराम से पता कर सकते हो, नहीं ऐसा सारा लिखवा देंगे, ठीक है। लेकिन याद रखना, अगर मान लो हर किसी में अलग अलग पाया जाता है तो नॉर्मली 7% क्या था बाबू, हमारे पूरा बॉडी का, अगर ब्लड की हम बात करते हैं, ब्लड इज इक्वल टू है ना वेट ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी वेट लिख दो यहाँ पर, बॉडी वेट, हाँ अरे वेट नहीं बोला, वी एच एच, शरीर भार गुणे कितना? 7%, यानी लिख सकते हैं क्या 7% को क्या लिख सकते हैं बाबू? ऐसे लिख सकते हैं, यानी अपना तुम लोग अपना बॉडी में कितना मतलब ब्लड है, खून है, इससे निकाल सकते हो, अपना वजन देखो और उसका 7/100 से इंटू कर दो, ठीक है। अगर मान लोगे, देखो फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, किसी एग्जाम किसी व्यक्ति का वजन मान लेते हैं
अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं बाबू, मान लेते हैं यहाँ पर 60 किलो का है, कितना है? 600। अच्छा 600, चलो 60, चलो ओनली 60 kg का है यहाँ पर, उसका कितना निकालेंगे? 7%, एक जो से जो कट गया, चलो 7×42 यानी 4.2 हमारा आंसर आएगा। उसके बॉडी में कितने लीटर ब्लड होंगे? 4.2 लीटर ब्लड। ठीक है, तो उस इंसान के शरीर में तुम लोग बता दो कितना वजन है, ये छोटकी छोटी कितना वजन है? 35 है, चलो 35 के निकाला जाए, है ना, तो कितना आ जाएगा बाबू यहाँ पर? 35 × 5 = 3, 5 × 3 = 7, 3 × 21 कितना हो जाएगा? 3.45 लीटर, लगभग लगभग 3.5 लीटर तुम्हारे शरीर में ब्लड है। हाँ ठीक है, तो अपना वजन को बस 7/100 से क्या करना, गुना कर देना, आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। बोले सर कैसे करेंगे, इतना लंबा कैलकुलेशन तो कुछ नहीं करना है, बस ऊपर के इंटू कर दो और दो जीरो है ना, 2 जीरो बार डेसिमल बैठा दो। हमने तो ये किया, देखो तो हमने इसको कुछ नहीं किया, 7 को 35 इंटू किया तो 345 आ गया, और उसमें देखो तो कितना जीरो है नीचे, 2 को है ना, तो 2 डिजिट बार डेसिमल बैठा दिया, आंसर आ गया हमारा। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। सुनो तो एग्जाम्पल में अपना अपना लिख लो, तो चुपके से एग्जाम्पल में अपना अपना लिख लेना, ठीक है। नहीं मतलब पहले लिखो आराम से, है ना, निकाल लो, निकाल लो अपना अपना। ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, तुम उतना जगह छोड़ दो, ठीक है स्पेस कर लो। चलो अब ध्यान दोगे, मेरा 74 है, अरे निकाल लेना तुम लोग बैठ के। 74 × 7%, ठीक है 28 × 7 = 49, 51। ठीक है, हाँ किसी चाहिए तो बोलना। हैं आज तक नहीं पता, जल्द ध्यान दो। और अच्छी बात, आज ब्लड ग्रुप भी पढ़ाएंगे तुम लोगों को, जब ब्लड चल रहा है तो ब्लड ग्रुप भी खत्म कर देंगे, कौन क्यों नहीं लेता है ये भी बता देंगे, ठीक है। ए लड़का बातें बंद करो, देखोगे अगर हम बात करते हैं रक्त की ही बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, अगर इंसान का रक्त लाल होता है ना, ये बहुत सारे जानवर लाल मतलब सब लगभग लगभग सभी होते हैं, ठीक है, तो क्यों होते हैं? हेमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हाँ बोलो, चलो इसका आंसर बता दो, ब्लड ग्रुप का ये इंसेक्ट नहीं है ना, इंसेक्ट में किस में, खासकर हाइड्रा में आया था ना, किसका? ए लड़का चलो बातें बंद कर लो अब, चलो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, यहाँ पर जो ब्लड होता है तेलचट्टा में कैसा होता है? व्हाइट कलर का। देखो एक्चुअली हम बात करते हैं मानव, मानव में रक्त कैसा होता है बाबू? लाल होता है, एकदम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं, है ना, है ना, ब्लड इन ह्यूमन इज इक्वल टू रेड, क्यों? हेमोग्लोबिन। बाबू इसे नोटेड करते चलना, अगर मानो मन इंसान में रक्त अगर लाल होता है तो किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन। अगर कट जाता है तो लाल निकलता है ना, वो व्हाइट भी निकल सकता है, अगर हमारे बॉडी में ये ना रहे तो। बोलोगे ऐसा कोई जानवर है क्या? है ना, तेलचट्टा ले लो, कॉकरोच जैसे तुम लोग डरती हो बहुत ज़्यादा, कॉकरोच, चलो जो भी यहाँ ध्यान देना, कॉकरोच में कैसा होता है? उजला, है ना, यानी वाइट, क्यों? क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। और सर किसी किसी का कोई इंसेक्ट का खून हरा भी होता है, ऐसे दूसरा कलर, तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्या पाया जाता है? किस में? हाय गधा, कहीं क्या क्लोरोफिल नहीं, हरा कहाँ से तुमको निकल गया? एलियंस देख के आ रहा है क्या कहीं से? वो पसीना आता है उसमें से, नहीं सर, माने वो हरा खून निकलता है।
उसका लेदा पोषण निकालता होता है कि हरा रंग निकल रहा है, वाइट होता बोला ठीक है, उसका बॉडी का इंजन बोले कह सकते हो। किसका नहीं वो डार्क एक्चुअली मच्छर देखा है कभी कभी मारा है ना, वो भी कभी ब्लैक फेंक देता है ना, डार्क हो जाता है, खा पी के एक नींद खाता है, दसों को खाता है, होता है सब में होता है। अब उसका शरीर को काते भर ना खून रहेगा। अब हम बोलते हैं कि एक इंसान में, सुनो अरे बातें बंद कर लो, चलो ये भी पॉइंट लिखी लो ठीक है, एक मानव में लगभग कितने खून होते बाबू, 4 से 5 ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं मानव में यानी इन ह्यूमन तो खास कर देखो 4.5 लीटर जो होते हैं वो किस में होते हैं, चलो 5 लीटर लिखो फिलहाल के लिए, 5 लीटर लिखो किस में, मेल, और 4.5 लीटर किस में, फीमेल में। वही गधा कहे, इसीलिए तो मैं इस नोट्स को लिखवाया ना, इसलिए तो इस नोट्स को लिखवाया ना कि क्यों। अब इसको पूछें इसका 3 लीटर है, आप बोले यहाँ पे तो गलती हो गया, ये एक्चुअली नॉर्मल्स जिसे बोलते हैं कि एडल्ट, हाँ ठीक है। तो ये मेल में कितने होते हैं, अब पता है ना इसका हाफ लीटर क्यों कम होता है, ये लोग का हाफ लीटर कहाँ कम होता है, नहीं कि मतलब शादी का मर्दे को खन चूस चुके ऐसे, अरे ऐसा नहीं होता है लेकिन ऐसे कहावत कह सकते हो है ना। एक जोक्स पढ़े थे उसमें क्या था कि एक मतलब पत्नी अपने हस्बैंड को ले जाती थाने में है ना, बहुत दुबला पतला था, पत्नी थोड़ी हेल्दी रहती है, बोलती कि अब कंप्लेन लिखाती क्या, देखिए ये मेरा खून चूसता है और बेचारा बैठा है कुर्सी पर ऐसे का दुबक के है ना, बोलती है देखिए सर हमको बहुत परेशान किया, मेरा खून चूस रखा है ये, और थानेदार कन्फ्यूजन है कौन किसका खून चूसा है, तुम है मोटी और है पूरा पतला सा है, और तुम बोली कि मेरा खून चूस लिया है। नहीं देखो अलग अलग सबका कह सकते उसमें है ना, यहाँ ध्यान दो बात करते हैं यहाँ पर। चलो देखो ये मेरा मेन पॉइंट से ब्लड से था, इतना नॉर्मली बात थी, अब ब्लड के अंदर आते हैं ठीक है। ब्लड को कितने भागों में बांटा गया बाबू, मेनली 2 भागों में बांटा जाता है ठीक है। हाँ एक गधा कहीं का, वो कहाँ से घुस जाता है बिना सुनने से समझे ठीक है। कौन सा, ये ना ये कोकरोज लिखे हैं, समझ लेना तुम लोग ठीक है, तुम लोग समझ लेना ठीक है, हम बस समझा रहे थे है ना। चलो इसको पहले बाउंड्री से घेरो, नहीं तो ये तो पता चलेगा कि इसी में खिचड़ी उचड़ी पक गया। चलो बाबू आप यहाँ ध्यान दोगे, देखो ब्लड को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 2 भागों में बांटेंगे ठीक है। देखो अब 2 भागों कौन कौन सा, एक लिक्विड फॉर्म एक पार्टिकल फॉर्म, पार्टिकल मतलब लिक्विड में हो जाता है लेकिन मतलब छोटे मोटे मोटे दाने होते हैं ठीक है। तो उसमें आते हैं कौन सा, एक जो लिक्विड फॉर्म होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा कहते हैं। यानी अब देखोगे जो डायग्राम बनाने जा रहे हैं, फिर से बनाओगे डायग्राम, ब्लड लिखोगे यहाँ पर, अब ब्लड को कितने भागों में बांट देंगे हम लोग, 2 भागों ठीक है। तो एक पहला कौन सा है, प्लाज्मा, पहला कौन सा पार्ट है बाबू, प्लाज्मा, और एक होता है कणिकाएं, क्या कहोगे इसको, सेल, जिसको इंग्लिश में लिखना लिख लो यहां पर ठीक है। इसे हम नॉर्मली 3 भागों में बांटते हैं, क्या करते हैं इसका डायग्राम से बस, हाँ जो प्लाज्मा सेल सेल टाइप का होता है ना उसका होता है, एक होता है RBC और एक होता है WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। चलो प्लाज्मा हो गया सेल ठीक है, 2 भागों में बांट दिए, एक होता है RBC WBC प्लेटलेट्स ठीक है। अब मिटा दीजिए ना, क्योंकि एक एक करके पढ़ाना होगा इसको हमको।
ठीक है। देखो आप देखो ऐसे में कर दे रहे हैं कि प्लाज्मा पहले ख़त्म कर देते हैं फिर इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। प्लाज्मा को पहले ख़त्म कर लेते हैं फिर इसको पढ़ लेते हैं। देखो इस पॉइंट को बस ऐसे नॉर्मली याद रखना, मेन ब्लड हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं इसका, ब्लड का पहला पार्ट का नाम क्या है वो यहाँ पर, प्लाज्मा, ठीक है। सर प्लाज्मा अकेला है? हाँ प्लाज्मा अकेला है। देखो एक्चुअली अगर बात करोगे ना तो रक्त में हम जो बात किए थे ब्लड में दो पार्ट बांटे थे, प्लाज्मा और कणिका यानी सेल्स जो था। तो प्लाज्मा यानी पानी, समझ लेना सिंपल सा, और पानी में अंदर छोटे छोटे मानो कंकड़ डाल दिया तो हो जाएगा मेरा जो सेल। हाँ फिर छूट गया क्या? ए, तुम्हें हर चीज तुम कैसी दिखता है क्या, ऐसा नहीं दिख रहा होगा? अच्छा हिंदी वाला, चलो ठीक है, चलो ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है। चलो प्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो प्लाज्मा का पहला पॉइंट, ठीक है। देखो प्लाज्मा जो अभी जस्ट बात किए ये पूरा लिक्विड फॉर्म होता है, कैसा होता है? अब बोलो सर लिक्विड क्यों होता है? अगर ये लिक्विड नहीं रहेगा तो इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तैरेंगे ही नहीं, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सॉलिड मतलब बोले तो एक छोटे छोटे पार्टिकल जैसा, ठीक है। लेकिन यही जो होता है पानी जो इसी में क्या होता है बोलो, फ्लो करते हैं। कभी कभी देखोगे यहाँ पर दे देता है ना कि यू टीवी में एन एड एड देता है उसमें तो ब्लड फ्लो कर देता है, एक चॉकलेट जैसा उड़ता है लाल कलर का, है ना, एक क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ वो आरबीसी रहता है। तो देखो इसमें जो होता है रियल में वो इसमें कितना परसेंट लिखोगे यहाँ पर, इसमें इसमें 90% पानी होता है ना, वाटर। हाँ बाबू अभी आ रहे हैं ना, तूने बीच में कहाँ टोकने लगता है। कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है तो बोले सर और 10% कहाँ गया, ठीक है। इसमें जोड़ दे क्या आगे पॉइंट कर लोगे, चलो इसमें 100 करा दे, ठीक है। इसमें अब मान लोगे 7% जो होता है प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होते हैं, क्वांटिटी याद करना। इसमें 2.1% जो होता है ना यूरिन होते हैं या एसिडिक होते हैं, और यूरिनिक एसिड होता है वहाँ पर यूरिक एसिड, ठीक है। 2.1% का होता है यूरिक एसिड, हाँ यूरिक एसिड जिसे हम लोग अम्ल कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब यहाँ पर होता है कितना हो जाएगा जोड़ो तो 0.9% जो होगा वो होगा मेरा क्या, ग्लूकोज, क्या होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है, ठीक है। याद रहना वाटर समझ आ रहा है ना, ये नॉर्मल वाटर, ठीक है, ऐसे कह सकते हो। 7% प्रोटीन उसमें फ्लो करता है, 2.1% क्या होता है यूरिक एसिड जो होता है वही हमारे यूरिन द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और उसमें 0.9% ग्लूकोज भी आ जाता है, ठीक है। और इसी के काम के लिए हमारे पास क्या रखा हुआ है, किडनी, जिससे आईफोन तुम लोग खरीदता है बार बार है आईफोन, तो पूरा ग्लूकोज थोड़ी रहता था, वो ग्लूकोज पूरा थोड़ी रहता, उसमें मात्राएं रहती है उसमें, है ना, बहुत सारी चीज पीने का बहाना है, पी लो उतना मिल जाएगा तुम्हें, थोड़ा सा एनर्जी एनर्जी मिल जाएगा ग्लूकोज का, ठीक है। अब आओ ध्यान देना, अगर कोई बात करेगा कि हमारा ब्लड जो होता है लिक्विड फॉर्म में क्यों होता है, क्या होता है उसका रीजन, तो प्लाज्मा के ही कारण ब्लड क्या होता है फ्लोट में होता है, फ्लोट करते हैं, लिक्विड फॉर्म होता है ना। देखो कि प्लाज्मा के कारण रक्त द्रव अवस्था,
द्रव अवस्था में होता है या रहता है, है? तुम्हारा ध्यान रहेगा इधर बोर्ड की तरफ तब न समझ आएगा। देख रहे हैं तुम लोग बकैती कर रहा है लिक्विड। अच्छा प्लाज्मा के कारण लिक्विड फॉर्म में रहता है। लिख लो। जब हम बता रहे तुम लोग बकैती कर रहे थे इसलिए बोल रहे थे, ठीक है। ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। प्लाज्मा में ही एक चीज पाया जाता है जिसका नाम विटामिन के। क्या कहते हैं उसे हम? विटामिन के। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है, ठीक है। चलो इसका एक स्टेहा उठा देते हैं, ठीक है। हो जाएगा इसमें दिखाई दे रहा है ना इतना, ठीक है। लिखो इसमें, इसमें मतलब समझ लो इसमें विटामिन के होता है। विटामिन के पाया जाता है या के होता है, लिखो ना बच्चे। इसमें विटामिन के होता है। ठीक है। देखो आप बोले यहाँ पे विटामिन के का मतलब क्या है बाबू? देखो विटामिन तो बहुत सारे, ए बी सी डी बहुत सारे हैं, लेकिन के का स्पेशली कार्य क्या होता है? हमारे ब्लड को थक्का जमाना। अब तो बोलते सर तो ब्लड थक्का कहने जमता है, तो उसका एक फासित है, जब तक वो ईयर के संपर्क में नहीं आएगा वो नहीं जमेगा, ठीक है। हाँ मतलब क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग जो होता है ना, ब्लड क्लोटिंग करने के लिए क्या चाहिए हमको? विटामिन के होना चाहिए। अगर देखो किसी शरीर में थोड़ा सा स्क्रैच हो जाता है, ब्लड रुकता ही नहीं है, तो हम लोग उसको बोलते हैं उसमें विटामिन के की कमी हो गई है, है ना। तो अगर विटामिन के अगर हमारे बॉडी में है, अगर कटता है तो कुछ देर में ब्लड क्या होता है? ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, वो इसी कारण होता है। नहीं तो सोचो अगर कट जाता तो हमेशा ब्लड बहते रहना चाहिए था, लेकिन नहीं बहता, क्योंकि ऑटोमेटिक ऊपर एक लेयर लग जाता है, यही है विटामिन के क्या करता है उसको। नहीं गधा, हम तभी जस्ट बताए थे ना, उसे संपर्क में आना चाहिए। हाँ लेकिन नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर और भी कुछ प्रोटीन्स हैं जो उसे क्या करते हैं? लिक्विड फॉर्म में रखने में कोशिश करते हैं। चलो अब इसमें आते हैं बाबू दूसरा पॉइंटेड। दूसरा नंबर कौन था? सेल यानी कणिकाएं, है ना। अब बाबू सेल हम बात करते हैं, तो सेल कितने प्रकार के बताए थे इसमें? तीन, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ठीक है। चलो उसमें से हम फर्स्ट पढ़ेंगे कौन सा? RBC। RBC का फुल फॉर्म या रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है, ये भी होता है। और हाँ ठीक हूँ बता रहे थे, अब 9th क्लास में जा रहे हो ना, तो 9th क्लास का बैच अलग फॉर्मेशन हो जाएगा तुम लोग का। एग्जाम दे लो उसके बाद से, हैं? वो तो अलग ही चल रहा है ना? वो तो अलग ही चल रहा है। हाँ 9th अलग रहेगा, 9th 10th पे कहाँ गुजरेंगे? 9th 10th अलग रहेंगे, है ना। 9th का बैच अलग कर देंगे, तुम रहोगी और भी तीन बच्चे रहेंगे। नहीं हाँ वो भी आ जाएगा, अंकित भी उसमें। ठीक है। चलो बाबू बात करो, इसका फुल फॉर्म लिख लोगे यहाँ पर? लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी में रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल या कॉर्पल्स, या इसको क्या कहेंगे हम लोग? हाँ उसी का दूसरा नाम है ना। अगर सेल से नहीं डिनोट करते हो उसको, तो क्योंकि देखो एक्चुअली वो थोड़ा सा बड़ा सेल होता है, ठीक है। चलो अब हिंदी में क्या होगा इसका? लाल रक्त कणिकाएं, जिसको लिखना है हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। चलो अब इसका पहला पॉइंट करेंगे। अब ये जो ब्लड है लाल होता है, K
क्यों होता है पहले बता दिए, हेमोग्लोबिन के कारण होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वो आरबीसी का, इसका मुख्य कार्य, हर किसी का तो पहले मुख्य कार्य लिखवाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मेन वर्क क्या होता है, यानी मुख्य कार्य बाबू लिख लोगे इसका, मुख्य कार्य इसका क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 और CO2, मार दो CO2, है ना। मुख्य कार्य है ना O2 और CO2 का परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2, ठीक है। देखो अब कार्य क्या इसमें है ना, अब इसका दूसरा पॉइंट हम लिखवा दे रहे हैं। देखो एक्चुअली ये होता, आप बात करते हैं कि हमारे सेल आते हैं, हम सब जानते हैं सेल मरते भी हैं फिर नए सेल बनते भी हैं, तो ये भी तो एक सेल है ना, ये भी तो मरता होगा, तो ये मरता कितना दिन में है, लगभग कितना होता है 100 से 120 दिन, है ना। इसका जीवन काल अगर लिखेंगे, लाइफ स्पैन है ना, जीवन काल अगर जीवन काल यानी लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो कितना है बाबू, 100 से लेकर 120 दिन का होता है। ये 100 से लेकर 120 दिन में बेचारा डेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका निर्माण, निर्माण मतलब ये कहीं ना कहीं तो बनता भी होगा ना, जब मर रहा है तो जन्म भी कहीं लेता होगा। अब ये कहाँ लेता है, बोन मैरो, क्या लिखता है, बोन मैरो, यानी कहता है अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, क्या बोला, और उसका कारण ठीक भी हो सकता है। चलो अब यहाँ ध्यान दोगे, निर्माण जो होता है, गजब दिख रहा है निर्माण ना मेरा, निर्माण हो गया, निर्माण, अरे निर्वाण और निर्माण में अंतर होता है, निर्वाण और निर्माण, निर्माण मतलब जन्म जैसे स्टार्टिंग होना और निर्वाण मतलब खत्म होना है ना। तो इसका निर्माण कहाँ होता है बाबू, मतलब प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये जन्म कहाँ लेता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, वो मज्जा है मैंगो वाला है ना, है ना, यानी बोन मैरो, क्या होता है बाबू, बोन मैरो। अब ये कहाँ होता है, तो चलो हम सब जानते हैं बाबू कि ए हड्डी बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, चलो ठीक है चलो ध्यान दो, यहाँ पर ये हो गया इंटरटेनमेंट वाला हड्डी है ना, ठीक है, ये है हड्डी, ठीक है। इस हड्डी के बीच में जा, एक्चुअली मुर्गा कौन कौन खाता है इसमें से, सब खाया होगा, नहीं खाती है, अच्छा चलो ठीक है। ऐसा क्या तुमको एग्जांपल दे, फोफी जानती है ना, फोफी मन एक ऐसे, देखो ये भी है इसके अंदर होल है ना, ठीक है, ये भी हड्डी समझ लो इसको, ठीक है, इसके अंदर होल है ना, तो सारे बोन के अंदर होल होते हैं, हमारे अंदर जितने बोन हैं सबके अंदर क्या है, खोखली है सारा ना, और उसी खोखली के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा जाली जैसा कुछ होता है, ठीक है, इसी का ही नाम है बोन मैरो, बना लो बगल में, ठीक है, तो इसी के नाम है बोन मैरो। और सोचो हमारे हड्डी के अंदर से ब्लड निकलता है, अंदर से ब्लड निकलता, ये हड्डी ही है ना, अगर हमारे शरीर में हड्डी बन रहा है, देखो आप सोच सकते हो ना कि कुत्ता मूर्ख नहीं होता है हम सब जानते हैं कुत्ता को हड्डियाँ चाहिए, हम सला सारा सा चिकन हम लोग खाते हैं, हड्डी उसको क्यों चाहिए, इसीलिए चाहिए है ना, इसीलिए चाहिए, उसे और कुछ नहीं चाहिए, इसके अंदर का ये चाहिए। सोचो मेन प्रोडक्शन तो ही खा लेता है, क्या चाहिए, नहीं पता नहीं, चल ध्यान दो, अरे पता नहीं उसका कितना पार्ट है, हमको हम ही खुल भूल जाते हैं कौन देखें कौन, हम टुकड़ा टुकड़ा देखते हैं, इतनी पार्टा थोड़ा शॉर्ट आता है कभी कभी, चल ध्यान दो। तो हमने क्या समझा बाबू, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, हड्डी के अंदर में, इनसाइड ऑफ बोन्स, ठीक है, हाँ हाँ, अस्थि, अस्थि हैं, एक होता अस्थि विसर्जन लास्ट यात्रा है ना, कार्टिलेज, ठीक है, तो अस्थि हो गया, निर्माण समझ आया कहाँ होता है इसका, बहुत मरता भी तो कहीं होगा ना, हम जानते हैं जो निर्माण हुआ, ए पीछे बोलता है डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, फिर बोलते हैं डिस्टर्ब, समझ नहीं आया, बात कर रहे हैं यहाँ पर निर्माण मतलब, अगर अस्थि मज्जा हुआ तो मृत्यु के लिए कोई जगह चाहिए ना,
अब मरता कहाँ होगा, इसे मिटा देना, क्या जगह ढेर रहा है मेरा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे इसको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं तो इसकी मृत्यु है ना, ए लड़का ध्यान दो, हम लोग ब्लड का ही मृत्यु लिख रहे हैं आज, कितना खूनखार पढ़ाई हो रहा आज, है ना, खून की मृत्यु। अभी कहाँ मरता होगा, अच्छा वो इसका बुढ़ारी कितना दिन में आ जाता होगा बेचारा है ना, जन्म लिया 100 से 20, 120 दिन में बेचारा उसका बुढ़ारी आ गया है ना, और जाकर कहाँ मर जाता है, लीवर में यानी यकृत। हाँ ठीक है, यकृत में जाकर इसकी मृत्यु होती है, यानी लीवर में जाकर इसकी मृत्यु होती है। अब बोलो सर लीवर कहाँ होता है, तो लीवर सब कोई जानता है, हमारे शरीर के कौन से पार्ट में होते हैं बाबू, इसका शक्ल ऐसे होता है ना कुछ, यही होता है ना, कुछ और बन गया लीवर है, यही है हमारा लीवर, इधर साइड में देखो ऐसे होता है यहाँ पर, ठीक है। तुम गधा है क्या, हम ऐसे लड़का ऐसे कैसे बता रहे हैं, तुम्हारे साइड बता रहे हैं, हम अपने इसलिए तो इसे घुस कहाँ है कि ताकि हम इसे दिखा सकें कि ये यहाँ पर यहाँ इस साइड में होता है, ठीक है, है? ए, एक ही होता है लीवर, दो को नहीं होता है, कौन सा तुमको आईफोन खरीदना है लीवर बेच के, है ना, किडनी बेच के कर दो है ना, किडनी दो को होता है, ठीक है। है ना, ठीक है, चलो बाबू अब इसके अंदर हम आरबीसी पढ़ रहे हैं, तो आरबीसी के अंदर पाया जाता है हमारा हेमोग्लोबिन, और उसका मेन काम क्या होता है हेमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन को कैरी करना और CO2 को भी कैरी करना, और सीधे कहाँ फेंकना ले जाकर, शरीर से बाहर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हेमोग्लोबिन होता है क्या, समझ आ गया हेमोग्लोबिन, कि उसका भी एक पॉइंट डाल दें, है ना, डाल लो इसमें, लिखोगे इसमें हेमोग्लोबिन, इसमें हेमोग्लोबिन, इसमें क्या पाया जाता है बाबू, हेमोग्लोबिन जो O2 का परिवहन करता है, O2, अरे लिखो ना तुम आराम से, ठीक है, हेम्यो होता है ना, हाँ तुम लिखो, ठीक है, हम मैसेज वाला लिख रहे हैं, हेम्यो लिखना, ठीक है, हेमो नहीं होता है, हेम्यो होता है, ठीक है, चलो हाँ O2 CO2 दोनों डाल दो इसमें से, क्या डाल दो इसमें से, O2 और कहाँ गया मेरा बच्चों, एक ठो और आराम से ले देना, O2 और CO2 ये परिवहन करता है उसको, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन जो होता है, देखो पुरुषों में, पुरुषों में हेमो, ठीक है, कितने होते बाबू, कितना होता है, गधा कहीं तो साइंटिस्ट कहाँ लाएगा, हेमोग्लोबिन जो होता है पुरुषों में 15 से 17 होता है, ठीक है, एम 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 जी मिलीग्राम, ठीक है, और महिलाओं में, महिलाएं महिला में, चलो हेमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो होता है 13 से 15% 15 mg, सॉरी, ठीक है। तो पुरुषों में हेमोग्लोबिन की मात्राएं 15-17, महिलाओं में 13-15, ठीक है, महिलाओं में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, इसलिए वो लोग के लिए एक हेम पुष्पा नाम का कोई आता है ना, ऐड ऑड आता है, जो एक कौन सा रवीना टंडन ऐड करती है महिलाओं का, है ना, हेम पुष्पा है, तो हेम पुष्पा खाओगी तो तुम्हारा हेमोग्लोबिन कंट्रोल रहेगा, ठीक है। ठीक है, देखोगे अब इसी आरबीसी में
हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या पाया जाता है बाबू, यहाँ पर इसका क्या नाम है, आयरन की मात्रा होती है खून में। हाँ, खून में आयरन की मात्रा होती है। तो फिर बोलते हैं हमारे आयरन की मात्रा कमी हो जाती है तो हमें क्या खिलाया जाना चाहिए, पालक, क्योंकि पालक में सबसे ज़्यादा आत्रा है ना। हाँ, तो चापे का आयरन पी लेना गधा का, लीवर खराब कर देगा। अधिक हुआ तो कुछ नहीं। अच्छा, अधिक कैसे हो सकता है? अगर नहीं सर, अगर नहीं तो फिर से वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट। हाँ, तो संतुलन करना जरूरी है ना। अब इसलिए बोलते हैं कि फैट भी खाओ, फैट भी जरूरी है, लेकिन इतना मत खाओ कि फट जाओ। सब कुछ में अगर अति नहीं बोलते, अति विनाशकारी होती है ना। तो डाल दो यहाँ पर हेमोग्लोबिन, एक पॉइंटेड करके स्टार देकर, ठीक है, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज इक्वल टू क्या होता है, हेमोग्लोबिन, ठीक है, आलू गधा गया, आलू कहाँ से आ गया इसमें। हेमोग्लोबिन जो होता है किससे बनता है, आयरन, आयरन, ये किससे बना होता बाबू, आयरन यानी लोहा, तो लोहा मत खा जाना, आयरन खाना, ठीक है। और आयरन का सबसे अच्छा प्रचुर मात्रा किस में पाया जाता है, एक होता है पालक, ठीक है, और एक होता है सेव, ठीक है ना बाबू। तो अगर हम बात करते हैं हरे सब्जियों में, हाँ हाँ, सेव मीन्स एप्पल।